इतिहास में श्री कृष्ण के बाद अगर कोई राजनीतिकार हुआ है तो चाणक्य, और चाणक्य के बाद कोई राजनीतिकार हुआ है भारत के अंदर तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री जिन्होंने भारत को एक करने में, 500 से ज़्यादा रियासतों को एक करने में अपना पूरा टाइम लगाया, अपने पूरे दिन लगाए। हैदराबाद को उन्होंने भारत में विलय करवाया, बाकी सभी स्टेट आराम से हो गई। जूनागढ़ को भारत में विलय कराया, J&K को उन्होंने भारत में विलय कराया और मणिपुर को उन्होंने भारत में विलय कराया। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे देश के लिए। बात सारी इतनी सी है कि हमें उनका जन्म दिवस तो याद है, 31 अक्टूबर, पर वो उनकी डेथ कब हुई ये पता नहीं। आज ही के दिन 1950 में उनकी मृत्यु हुई थी, जहांगीर रोड पर, उनके आवास पर, जो उनका आवास दिया गया था दिल्ली में। जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 250 रुपीज थे। तो ऐसे नेता, ऐसे कर्मठ नेता जिसने भारत के लिए इतना कुछ किया, मुझे नहीं लगता कि उनको हमें भूलना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि आप उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आज के दिन में को भी याद रखें। अभी तो न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि बहुत ही शुभ है, बाकी मैं न्यूज़पेपर भी लाऊंगा और देखूंगा कितने लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो आज के दिन हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी, और वो अगर नहीं होते तो भारत का आज का नक्शा कुछ और होता। जय हिंद, वंदे मातरम, न जात न धर्म, कुछ करके दिखाओ क्योंकि तुम में है दम। मेरा नाम कुशाग्र भारती है, मैं अमन समाज सैनिक। जय हिंद, वंदे मातरम।